विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर को आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। बिहार सरकार के आदेश के बाद सभी धार्मिक स्थलों को कोरोना गाइडलाइन के साथ खोल दिया गया है। अब दूर दराज से आने वाले पर्यटकों को निराश नहीं होना पड़ेगा। गुरुवार को मंदिर परिसर के साफ सफाई और सैनिटाइज के बाद शुक्रवार को अहले सुबह भगवान बुद्ध के पूजा अर्चना करने के बाद खोला गया, जिसमें BTMC ने कुछ अपना खास नियम बनाया है। उक्त नियमों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा, साथ ही बिना मास्क लगाए पर्यटकों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मंदिर खुलने का समय सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का निर्धारित किया गया है। गया से स्वदेशवाणी के लिए अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। आज मंदिर ओपन हुआ है, क्या ऐसा है कि आप लगभग हम लोग लास्ट अप्रैल से लेकर के अभी तक हम लोगों ने अनफॉर्चुनेटली मंदिर नहीं हुआ, क्लोज करना पड़ा, ये भी सभी की ईद के लिए। अब उसी बात है कि आज से हम लोगों ने मंदिर खोल लिया, नॉर्मल टाइमिंग 5 to 9 शाम को तक, तो इसीलिए हम लोग वेल प्रिपेयर करके आज शुरू हुआ। इंटर हम खुद भी देखा कि ज़्यादा आदमी तो शुरू में नहीं है, फिर भी हम लोग लाइन अप करके अब रेगुलर सभी अब एंट्री होने वाला लगता है। डेली नाइट डे एकदम मोटी हो विशेष यहाँ का आस पास का बच्चे लोगों को सब है, इसी कारण हम लोग ने ये हम लोग भी इसी कंटिन्यूएशन में आपका सीजन स्लोली हम लोग होपफुली और आपका ये मेन आपका ये जो हम लोग यहाँ पूजा कार्यक्रम प्रोग्राम तो मेनली आपका सेप्टेम्बर अक्टूबर से शुरू होगा, हर साल भी अगस्त में जाता ही हूँ लोकल होगा तो नहीं। फिर अभी इसमें ये है कि रिसेंटली हम कहीं बाहर के आउटसाइड इंडिया का जो यू डिवोटी सोचना कि सब भी यहाँ कब खोलेगा इच्छुक है, किसी से किसी के आना वो लोग आने की वो इच्छुक है, इसीलिए वो खोले वो आना शुरू होगा। इसी तरह हम लोग भी मतलब चादर तैयार वो करके वो लोगों को ईद में भी हम सभी यहाँ हम लोग है सबको ये इस तरह ध्यान रखे। फिर भी अभी यहाँ हम मंदिर में इसे विशेष प्राइमरी हम लोग को जो कभी भी जो पेंडेमिक तो पूरा ख़त्म नहीं हुआ, इसी कारण हम लोग को फेस मास्क कंपल्सरी सोशल डिस्टेंस इस कारण मंदिर में भी शुरू में नो फेस मास्क नो एंट्री करके ये कर रहा हूँ। अब मेन तो वही है कि आने वाला सबके लोगों सबको कोऑपरेट करना पड़ेगा, होपफुली अब आगे अच्छा होगा। हम शायद जनवरी फरवरी में कोई पूजा कार्यक्रम होने वाले में तो उसको भी हम लोग ये एप्लीकेशन आया हुआ है 4-5 लोग हम लोगों ने बोला वेलकम परमिशन सब्जेक्ट टू दैट ऑफ क्या सिचुएशन होगा, मगर अभी सिचुएशन लगता है कि अभी यही कंटिन्यू करने से तो अच्छा होगा। ये बात है, ठीक है, थैंक यू, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।